अगर बारिश में आपने एक बार अपने घर में पटाखा पूड़ी बना ली तो हर साल आप पटाखा पूड़ी ज़रूर बनाएंगे अपने घर पे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है ठंडा पानी और सारे आलू के स्लाइसेस इसमें डाल देंगे ताकि काला ना पड़े। जब सारे आलू के स्लाइसेस कट हो जाए तब हम सभी आलू के स्लाइसेस को अच्छे से धो लेंगे फ्रेश पानी से। हमें इस तरीके का स्लाइस चाहिए बटाका पूड़ी बनाने के लिए। मैंने इस तरीके से कट किया है आलू के स्लाइसेस, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। बटाका पूड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 2 कप बेसन और 1/2 कप चावल का आटा और अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हम पानी डाल के फाइन बैटर रेडी कर लेंगे। बटाका पूड़ी जो है वो गुजरात की शान है, लोग यहाँ पे चाव से खाते हैं। अब हम बैटर में डालेंगे रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और हल्दी पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कस्तूरी मेथी डाल के, चाहे तो आप धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं बारीक काट के। अब हम डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट और अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम डालेंगे ग्रीन चिली पेस्ट और अच्छे से मिक्स कर लिया है। बैटर हमारा रेडी है। कढ़ाई भी गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। एक एक स्लाइस को हम बैटर में डिप करेंगे अच्छे से और ऑयल में डालेंगे फ्राई होने के लिए। हमें लो टू मीडियम में पकाना है और अच्छे से दोनों साइड क्रिस्पी होने तक और गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, इस रेनी सीज़न में आपको बहुत पसंद आने वाला है। स्वाद में भी बहुत ही गजब का लगता है। बटाका पूड़ी हमारा बनके तैयार है। अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैंने यहाँ पे कट करके भी दिखाया, देख सकते हैं अंदर भी कितना अच्छा पक चुका है।